सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। वैसे तो हर दिन अखबारों व चैनलों में भ्रष्टाचारियों के किस्से पढ़ने व देखने को मिलते ही रहते हैं, जिसमें निचले स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों तक को जेल जाना पड़ रहा है, बावजूद भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे ही एक मामला बलिया प्रखंड के बड़ी बलिया उत्तरी पंचायत में उस समय प्रकाश में आया जब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को जिला परिषद सदस्य, मुखिया एवं वार्ड सदस्य के साथ अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर शुक्रवार को एसडीओ से मिलकर शिकायत दी। प्रधानमंत्री आवास में प्रथम किस्त की राशि से आवास सहायक द्वारा 10 से 15 हजार रुपया लेने की बात बताई। बड़ी बलिया उत्तरी पंचायत के निवासी शांति देव आवास योजना के लाभुक ने बताया कि प्रथम किस्त के रूप में मिलने वाले 50,000 रुपए में से आवास योजना के सहायक मोहम्मद अफताब आलम पर लिए जाने का आरोप लगाया। पंचायत की मुखिया रेखा देवी एवं जिला परिषद सदस्य ने बताया कि बड़ी बलिया उत्तरी पंचायत में वर्ष 2005 में भी जिसे आवास मिला था उसे भी दे दिया गया। उन्होंने इस खेल में अधिकारियों के मिलीभगत का भी आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सरकार के प्रधान सचिव, लोक सूचना अभियोजन बेगूसराय, ग्रामीण विकास मंत्री एवं एमएलसी से भी करने की बात बताई। वही मुखिया पति ने आवास सूची में हेराफेरी कर आवास आवंटन करने की भी बात बताई है। सर, इंदिरा आवास का कोई मामला आया था? हाँ, वो बड़ी उत्तरी बलिया का था, उत्तरी पंचायत का, बड़ी बलिया उत्तरी पंचायत का। उसमें कुछ जनप्रतिनिधि गण, कुछ लाभुक भी आए थे, 8-10 की संख्या में महिलाएं, जिसमें इंदिरा आवास सहायक पर आरोप लगाया है राशि लेने का। तो उसका जांच मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को तुरंत ही दिया है और इंदिरा आवास सहायक से स्पष्टीकरण भी मांग की गई है। उनका स्पष्टीकरण और जांच प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम हुआ सर? बृजकिशोर चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी बोलिया। और आवास सूची में भी अनदेखी करते हुए हेरा फेरी इंदिरा आवास सहायक अफताब आलम किया और पैसा जाने के बाद कुछ लाभुक मेरे यहाँ आया, जो कि हमको सूचना दिया कि हमसे जबरन 10,000-15,000 रुपया लिया जा रहा है। तब हम उनको बोले ठीक है, आप आवेदन दीजिए। आवेदन वह ने लिख के दिया। आवेदन लिख के जब दिया तो हम उस सब लोग को 10 से 15 जो व्यक्ति थे, महिला थी, उस सब को हम लेके एसडीओ साहब के नज़दीक पहुँचे। तो एसडीओ साहब को आवेदन 1/9/2017 को शुक्रवार दिन वहाँ आवेदन दिए।